अप्रिशिएशन मिलना शुरू हो जाए दैट मीन्स कि सॉन्ग विल बी सुपर हिट. सो डू यू थिंक दैट कि इतने सारे व्यूज आपको मिले, इतने सारे लाइक्स मिल रहे हैं, इतने सारे लोग फोन कॉल्स आ रहे हैं, फेसबुक पे लोग कमेंट्स भेज रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं आपको, डू यू फील दैट दिस इज अ गुड मोमेंट फॉर यू? हम लोगों ने मेहनत बहुत की है एंड आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगे. सॉन्ग बहुत अच्छा गाया है यासिर ने, जो कि उसका पहला सॉन्ग है. एंड पार्थ ने, अनमोल ने बहुत अच्छी है, मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है. तो आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगे एंड बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे, बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे, टीजर को इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले एंड इट्स ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एंड एवरीवेयर फ्रॉम लास्ट 3 डेज. सो आजकल सब लोगों को पता है कि सोशल मीडिया इज़ द नेक्स्ट थिंग. तो जहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें उतना अच्छा हो, रीच हमारी उतनी ज़्यादा हो, तो सोशल मीडिया एक आसान तरीका हो जाता है हमको इंटरेक्ट करने का लोगों से. तो और अच्छा रिस्पांस, अच्छा फीडबैक मिल जाता है और उनको अब तक अपडेट पता है उनको कि बस आज होने वाला है या कल होने वाला है, 3 दिन बाकी है. तो एक अच्छी चीज़ है उनको भी इनके लूप में रखना. अच्छा, इसके अलावा आप दोनों सिंगर हैं तो रिसेंट टाइम में जो है रिक्रिएट करने का जो ट्रेंड चल पड़ा है, तो आप दोनों को अगर कोई गाना रिक्रिएट करना होगा तो वो कौन सा होगा? आई थिंक जो ऑलरेडी सॉन्ग बन चुके हैं वो वापस उतना तो अच्छे बन ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते. लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है तो आई थिंक लग जा गले एक सॉन्ग है जो कि मैं हमेशा से मेरी सिस्टर और अनमोल के साथ बनाना चाहूँगा. ओह वाओ, आई डिडंट नो अबाउट दिस. दो लाइनें हो जाए वो गाने की ऑडियंस के लिए, लग जा गले. या पलक नहीं है हम लोग के साथ, उसका भी फेवरेट सॉन्ग है. और आई वांट टू जस्ट गिव हिम अ सरप्राइज. लग जा गले आई थिंक यासिर बहुत अच्छा गाएगा. हां हां, नो बट इवन द ट्रेंड ऑफ रिक्रिएटिंग सॉन्ग्स मारियो. I think the trend of recreating songs is it was interesting, but I personally wouldn't want to get into it too much because jo gaane the bahut khoobsurat the, they had their melodic they were very beautiful in their melody, or I don't think there's any point in trying to ruin their beauty now. So maybe she can act in it and Palak will sing it. That would be better.